तो अभी दिल टूट गया हम लोगों को। और दिल टूटने का कारण यही है कि पता नहीं ये छत जो है ना, इसके ऊपर में सीलन पड़ रहा है। ये देखिए, पूरा नया घर लिए हैं गाइस, और घर में ये पूरा सीलन पड़ रहा है पानी। ये देखिए, ये पूरा पानी का है। ये देखिए, पूरा साफ साफ देख रहे होंगे आप लोग। और किचन में भी दिखाते हैं। कोहरा वाला है ना, देखिए अंदर में भी ये देखिए पड़ रहा है सब। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे सही होगा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं कि हाथ छत टूट गया ना? हाँ, ये भी बात हो सकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका मॉर्निंग का टाइम, मस्त नहा के फ्रेश हो गए। चलिए आज के प्यार ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चाय, ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म चाय बन के एकदम रेडी हो रहा है और रेडी हो गया। आप लोग भी चाय पी लीजिए, बहुत मस्त चाय बना हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, और आज क्या क्या शॉपिंग किए हैं वो आज आपको दिखाएंगे। कल तो आप लोगों ने थंबनेल देखा था, है ना? रात भर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की है। समझिए, हम लोगों ने स्वेटर लिया है ठंडी के लिए, और अभी इन्वर्टर चार्ज हो रहा था तो घें घें करके आवाज आ रहा था। सब कुछ घर की साफ सफाई हो गई बढ़िया तरीके से। दोस्तों ये देखिए, मेरे हस्बैंड का मुंह देखिए, ऐसा लग रहा 12 बज रहा है। क्यों, सच में? हाँ सच में। और इनका यहाँ पे दाना था पक्का पक्का, हम फोड़ दिए हैं तो वही बहुत ज्यादा पी रहा। दो दाना फोड़ी है, ऐसा लग रहा है कि पूरे देह में कोई मारा है, तोड़ दिया है एकदम ऐसे। अरे दादा, इतना दर्द हो रहा है। तो दोस्तों मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आता दाना फोड़ने में। और ये गुस्सा हो गए। तो कल रात में हम लोग लाए हैं स्वेटर, ठीक है, और ये ऐसा मोड़ के रखी है ना, तो इसमें मोड़ापन आ गया ना सब में। प्रेस मार देंगे सब। कल हम लोग कानपुर से लेके आए इतना बढ़िया स्वेटर। ये मेरा स्वेटर है, देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है। और लोवर भी तो है, और लोवर भी पहने हुए। ये देखिए, नया नया आज पहन लिए है, ठीक है। इतने गंधेला आदमी नया नया कपड़ा पहना है, सोचने वाला बात है दोस्तों। कल रात में लोग स्वेटर ले लिए, इसलिए कि वीडियो वगैरह शूट करना होती है, इधर जाना पड़ता है। एक हालांकि हमारी सासू माँ ने खरीद के दिया था, लेकिन फिर भी बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ, वो भी रहेगा ये भी। यहाँ पे देखिए, रात में गरम गरम बिरयानी जो हम लोग लाए थे तो बच गया है। बताइए, 4 प्लेट ले आते ना, है ना, कम पड़ जाता है यार। बता क्यों बिरयानी मिलाते हैं कानपुर वाले भैया, अच्छा लगता है ना खाने में। तो दोस्तों एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए यहाँ पे चिकन बन रहा है और ये सब नेपाल से है। ये देखिए, बड़ा मन करता है नेपाल में जाने का, है ना, बहुत ज़्यादा मन करता है दोस्तों, ठीक है। अभी अंधेरा हो गया होगा, देख रहे ना, उस पर चिकन बना रहे हैं। और नेपाल में जो पहाड़ है, ठीक है, और जो वादियाँ हैं ना, एकदम स्वर्ग जैसा है। मन करता है कि जाएँ, हम लोग सोच रहे ट्रिप करें। तो ये बताओ किस चीज़ का मैसेज है, ठीक है। हालांकि हम कई बार बता चुके हैं, इनको बताएं, एक बार डांस करके दिखा दो। गजब। किस चीज़ का मैसेज है? पैसे का मैसेज आ गया है दोस्तों अभी, और आपको 3:32 में दिखा रहे हैं, इसलिए माफ़ी चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग ब्लॉग जो है ना बहुत लेट से मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सो के जस्ट उठे हैं और रात का टाइम हो गया, 5 बज रहा है, 5:30 बज रहा है, समझ रहे। अरे तब से जो है ना हमारा खूब मजा ले रहा है, खूब मस्ती कर रहे हैं, चिढ़ा चिढ़ा के। और हम सपना कौन सा देखे थे? कौन सा देखे, सपना बताओ। हम दोस्तों सपना देखे थे कि हम हो रहे नेपाल गए, क्योंकि हम लोग शादी से पहले बहुत 4 बजे तक बात करते थे। तो अभी भी ये कभी कभी रेस्टोरेंट या कहीं भी जाते हैं तो ये सामने हम बैठे रहते, फिर भी कॉल करके बोलते हैं कुछ खाओगी। तो वही हम सपना देखे कि हम दोनों बैठे हैं और ये कॉल करके बोल रहे हैं कुछ खाओगी। हम बोले हमसे बात मत करो, हमारे उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। उसके बाद एक अंकल जी किताब लगाए हंस रहे थे ऐसे ऐसे, और मेरे पति गए किताब के पीछे ऐसे मुंडी कर लिए, और वो ऐसे देखे और आप किताब खींच लिए। तो आज बहुत कम ठंडी पड़ रही है, देखिए टी शर्ट पहन के हम चला रहे गाड़ी, जा रहे अभी सब्जी दुकान पे सब्जी लेंगे, फिर और भी सारा सामान लेना है। मौसम सही है आज, देखिए तारा भी हुआ हुआ है आसमान में, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, अच्छा लग रहा है दोस्तों, अच्छा फील हो रहा है। अलग भी सेम आता है ना, एक दो महीने बाद अच्छा, नहीं हमारे गांव में ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, आधा किलो नया वाला आलू, क्या बोले, सेम कई प्रकार के आते हैं वो अलग अलग जैसा रहता है। हम उस दिन धोखा खा गए थे, मुझे लगा कि ये मटर है शायद, नहीं वो बिग सुगोल वाला दीजिए, इसमें जो है ना तुलसी का मात्रा ज़्यादा होता है। दोस्तों बिना रतन पाउडर और विक्स ले रहे हैं भैया की दुकान पे। यहाँ पे मेरे ख्याल से लग रहा है मेट्रो लाइन बनना है, और रोड भी बढ़िया तरीके से चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे दुकान के पास में गाड़ी खड़ी करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है।
देख रहे कितनी सारी गाड़ियां हैं नॉन स्टॉप। यहाँ के कोई भी काम में डर नहीं लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे डर लगता है तो अंडा को बाइक पे लेके आने में, ठीक है। क्लियर में टांग दो जो बीच में जो है स्कूटी का, और कटर कटर बजता रहता है, अगर टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, समझ रहे दोस्तों। 8 रुपए का एक कच्चा अंडा मिलता है यहाँ पे। क्या बोले लाने के लिए? थाली थाली चाकू चाकू ये लीजिए। कहाँ का बात करती है, यूपी वाले हाथ में बरकईवा छोट कईवा। मम्मी कहा था कि सेम वाला है जो अपना बिया डाल रहा था कि जिना बिया हुआ ला के बिया बनेगा सेम के सब्जी और आलू, ठीक है। बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार आपने बनाया था किसका? लोबिया। हाँ लोबिया और आलू, है ना। हाँ। खाने में मजा आया था क्योंकि हरी सब्जी के साथ में रोटी के साथ में खाने में बड़ा मजा आता है। और आज भी अंडा रोल बनाएंगे तो मस्त मस्त खाएंगे। और यहाँ पे एक कढ़ाई है, इसको धुल लेते हैं, साफ ठंडी हो रही है। पर हमारी वाइफ को छेना खाना है तो खाना किसी भी कीमत पे। बताइए ठंडी के टाइम में खाएंगे ना तो खांसी बहुत जोर जोर से उखड़ जाता है, पता है ना आपको। आप हमको भी फंसा रही बीच में, खुद मंगाती है और हमको भी फंसा दिया। तो अभी दिल टूट गया हम लोगों को। दिल टूटने का कारण यही है कि पता नहीं ये छत जो है ना इसके ऊपर में सीलन पड़ रहा है। ये देखिए पूरा नया घर लिए है गाइस और घर में ये पूरा सीलन पड़ रहा है पानी। ये देखिए ये पूरा पानी का है, ये देखिए पूरा साफ साफ देख रहे होंगे आप लोग। और किचन में भी दिखाते हैं, कोयरा वाला है ना। देखिए अंदर में भी ये देखिए पड़ रहा है सब। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे सही होगा। दोस्तों दिक्कत किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है, घर ठीक है। बट मुझे इस बात का डर लग रहा है जो सीलन पड़ रहा है ना जिसकी वजह से, और चारों तरफ करंट वाला जो है ना जो लगा हुआ है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये बल्ब जाने वाला है, यहाँ भी पानी निकल रहा है, ठीक है। ये जगह तो सही है अभी क्योंकि यहाँ फिनिशिंग बढ़िया से हो रखा है। और यहाँ पे देखिए इस जगह पे भी पानी देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, और ऊपर में तो अभी आपको हम दिखाए हैं, बाकी और भी घर में भी है, यहाँ तक के नीचे तक पे भी आ रहा है। ये देखिए यहाँ भी आ रहा है, किचन में भी आ रहा है। तो ये पता नहीं कैसा क्या है, बस मुझे इस बात के लिए बुरा लगा कि जिनसे हमने मकान लिया है ना उनको थोड़ा पहले बोलना चाहिए था कि भैया जी प्रॉब्लम्स है तो उसे थोड़ा सा मरम्मत करा लीजिएगा अच्छे तरीके से। बस इस बात के लिए मुझे बुरा लगा, उनको बोलना चाहिए था। दोस्तों अभी गर्मा गर्म खाना बन रहा है, आटा वाटा बढ़िया से गूंध दिए थे तो प्याज बना रही है अभी। कै रोटी बना है अभी लगभग? तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए अंडा रोल बना रही है हमारी प्यारी वाइफ। आराम से बनिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए दोस्तों आज फिर से मिलेगा खाने को, आहा मेरा फेवरेट है दोस्तों अंडा रोल। पान के तरीके से बनता है दोस्तों, और अपना घर का रोटी मिक्स रहता है तो खाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा कि देख सकते हैं हमारे घर पे खाना बन गया, सेम आलू की सब्जी, रोटी, प्याज और ये अंडा है, हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। आई होप दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतने। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर इससे से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, लखनऊ से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए बाबा, बगल में फेसबुक पेज का आईडी जाके फॉलो कर लीजिए, अपने कीमती वो निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।